सगी भाभी के साथ तुम ये गंदा रिश्ता निभा रहे थे? चलो बताओ, कब से चल रहे चक्कर? हाँ, तुम लोग का चक्कर कब से चल रहा है? अब आ गया ना मेरी आंखों के सामने। शफक, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। तुम तो चुप कर जाओ, एक रसना निकाल अपने मुंह से। अभी तो मैंने तुम्हें इसकी बाहों में देखा है ना। अस्सलामुअलैकुम रफी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। वो यार तरतन यहाँ लाहौर आ गई है अचानक, क्या हुआ वहां पे? कुछ जानते हो बताओगे? हेलो रफी, क्या हुआ वहां पे? प्लीज मुझे बता यार। उर्फी, ऐसा कुछ तो हुआ है वहां पे, वरना वो इस तरह अचानक यहाँ क्यों आती? उर्फी प्लीज मुझसे मत छुपाना, मुझे बता क्या हुआ है। दुर्योधन को हमेशा से वहीं होना चाहिए था, जहां उसका शौहर। अगर वो वहां आई है तो कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। जैसे सोकल का हक है ना तुम पर, वैसे दुर्योधन का भी है। दुर्योधन का ज्यादा हक बनता है तप्रेस, क्योंकि वो तुम्हारी पहली बेवी है। जानता हूं यार उर्फी, लेकिन अभी इसलिए सवाल करने से पहले ये सब बातें एक बार सोच लो। हेलो